बेवरली क्लॉक एक ब्रेथ टेकिंग क्लॉक है, मतलब इसमें चाबी भरना पड़ता है। 182 साल से ये आज तक भी चलता आ रहा है, इसमें आज तक कोई चाबी नहीं भरी, तो ये अपने आप कैसे चाबी भर लेती है। देखो इसमें एक एयरटाइट बॉक्स होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तब एयरटाइट बॉक्स के अंदर का गैस एक्सपेंड या कॉम्प्रेस्ड होता है, जिसकी वजह से बॉक्स के साथ कनेक्टेड डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करता है और बेवरली क्लॉक चाबी भर लेती है। बेवरली क्लॉक कैसे काम करता है तो जान लिया, लेकिन इसके साथ और एक सवाल आता है कि क्या ये एक परपेचुअल मोशन मशीन है। इसका सिंपल सा आंसर है नहीं, ये एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है। एक परपेचुअल मोशन मशीन वो होता है जो 100% एफिशिएंसी देता है। आप एक सीसो को पकड़ लीजिए जिसकी एक भाग में लोड पड़ने से दूसरे भाग ऊपर उठ जाता है, लेकिन ये भी एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है, क्योंकि यह फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस्ट होता है और ये 100% एफिशिएंसी दे नहीं पाता। रही बात बेवरली क्लॉक की, ये बाहर से एनर्जी लेके काम करता है, जितना एनर्जी लेता है उससे थोड़ा कम वर्क डन देता है, मतलब ये 100% एफिशिएंसी दे नहीं पाता, तो ये भी एक परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका वैल्यू एडिशन किया है। थैंक यू।